माननीय हुसैन दलवाई साहब, आप अंतिम स्पीकर हैं, महज दो मिनट। सर थैंक यू सो मच। हुसैन दलवाई जी को दो, ये जो अमेंडमेंट लाई गई है वो अमेंडमेंट की ये अमेंडमेंट के जरिए ये सरकार जो पहले लॉ बनाया गया था 2009 में कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके मुताबिक वो ख़त्म करने की बात है, एक तरह से निगेट करना ऐसा हो जाएगा। मैं अपील करूंगा सरकार को, हमारे मंत्री महोदय को, उनको ये मालूम है कि सावित्रीबाई फुले के आज जयंती है। सावित्रीबाई फुले का नाम लेते वक्त मैं फातिमा शेख का भी हमेशा लेता हूँ, क्योंकि फातिमा शेख हमेशा उनके साथ रहती थी। उन्होंने या एजुकेशन का महात्मा फुले ने जो एक काम किया था वो महिलाओं को लेके लेने का भी काम उन्होंने किया था, मैं उनको अभिवादन करते हुए भी बात करता हूँ। ये कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ये कानून में पहले से है, वो पांचवी में आप उनको बाहर निकालेंगे तो बिल्कुल गलत है। एक तो लड़का अगर बच्चा फेल है ये उसके दिमाग में जाएगा और माँ बाप भी बोलेंगे काय का तुझे दिमाग ही नहीं, तू काय के लिए पढ़ता है, ऐसे अपने इधर हालत है। देखिए तो मेरा कहना ऐसा है कि हर महीने में एग्जामिनेशन लेना चाहिए, वो कंपल्सन टीचर्स के ऊपर होना चाहिए। और एक बात जावड़ेकर साहब मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी पोती 4 साल की है, वो 4 लैंग्वेजेस बोलती है, वो मराठी बहुत अच्छी बोलती है, इंग्लिश अच्छी बोलती है, वो हिंदी अच्छी बोलती है और तेलुगु भी अच्छी बोलती है। क्यों? क्योंकि सारे उसके घर के लोग पढ़े लिखे हैं। जिनके घर के लोग पढ़े लिखे नहीं वहाँ टीचर्स ने उनके माँ बाप बनना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, उनको बुक पढ़ने के लिए कहना, लाइब्रेरी नहीं होती, लैब नहीं होता, अच्छी इमारत नहीं होती, बैठने के लिए बेंचेस नहीं होते। ऐसा मुस्लिम बच्चों का तो हालत ऐसी है, आपके मालूमात के लिए बता दो, 30% ऑफ मुस्लिम बच्चे इसमें है, चाइल्ड लेबर में है। क्यों है? क्योंकि उनका स्थिति नहीं पढ़ने की, तो ये एक तरह से उनको कैसी मदद करने की ये देखना चाहिए, उसके बजाय आप ये जो कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। मुझे मालूम है कि ये डिमांड सारे लोगों ने की है इसलिए आप ले रहे हैं, लेकिन सारे लोग जो बोलते हैं वो सही बात है ऐसा नहीं। हम लोगों को कहाँ ना कहाँ 2 कदम आगे रह के इस बारे में सोचना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि आप ये करने के बजाय स्कूलों को ज़्यादा पैसा दीजिए। मेरा तो कहना है आपने 25% एजुकेशन पे खर्चा किया है, उसके कुछ असर दिल्ली में अच्छा है, वैसा करिए ना। कहाँ का कुछ बातें अभी रहेंगी, रास्ते नहीं होंगे, लेकिन सबको पढ़ाइए। मैं जब पढ़ता था तो मुझे ये बताया जाता था कि इस देश में एक स्टेट ऐसा है केरल जो सबसे गरीब है, और एक दुनिया में देश ऐसा है जो चाइना सबसे गरीब है। एजुकेशन की वजह से दोनों आगे गए हैं। देखिए तो एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, इसलिए कहा ना कहा आप उसका प्रयास करने इस तरह के आप ये आया क्या का रिपोर्ट आया कि कंपलसरी एजुकेशन के लिए जो पैसा दिया गया वो भी खर्चा नहीं हुआ, वो क्यों नहीं खर्चा होता, क्या उसमें दिक्कत है वो देखिए। मेरे ख्याल से आप ये पीछे लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। आगे बढ़ना चाहिए, पीछे क्यों?